गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सोनिया करनाल, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश। इसमें आज हमने टॉपिक लिया है माय फेवरेट टीचर। फेवरेट मींस कौन सा आपको अच्छा लगता है, ठीक है। माँ, वैसे तो आपको स्कूल में सभी टीचर अच्छे हैं होते हैं, सभी अच्छे होते हैं सब टीचर्स, सभी जो है बच्चों से प्यार करते हैं, सभी जो है अच्छा अच्छा बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन बच्चों के कोई फेवरेट टीचर होते हैं, बच्चों को कोई टीचर जो होता है बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। कोई टीचर है जो उनको बहुत ही पसंद आता है, तो आपने अपने जो फेवरेट टीचर है आपका, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उसके बारे में 10 लाइन जो है आपने इसमें लिखी हुई है आपके, मैंने ठीक है जो लिखी हुई है, तो आपने जो है उसको पढ़ना है। तो मैं इस माय फेवरेट टीचर जो है मैं पढ़ती हूँ, मैं आपको ये ध्यान से पढ़ना है। ये फर्स्ट है, फर्स्ट लाइन है, अ टीचर इज़ अ पर्सन हु गाइड्स स्टूडेंट्स इन गेनिंग द नॉलेज एंड वैल्यूज़ इन अ सोसाइटी। कि टीचर कौन होता है, टीचर एक पर्सन होता है, एक ऐसा आदमी होता है, ऐसा इंसान होता है, हु गाइड्स, गाइड्स मीन जो आपको सिखाता है स्टूडेंट्स को, इन गेनिंग, गेनिंग मीन्स गेन करना, पाना, ठीक है। अ टीचर इज़ अ पर्सन, टीचर वो पर्सन होता है, वो इंसान होता है जो हमें गाइड करता है, जो हमें सिखाता है, जो स्टूडेंट्स को सिखाता है, गेनिंग द नॉलेज मीन्स जो नॉलेज को गेन करने के लिए, और सोसाइटी में कैसे रहना है हमें उसकी, हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं कौन, हमें टीचर, टीचर हमें नॉलेज देते हैं कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे सोसाइटी में बैठना, कैसे किसी के साथ बिहेव करना चाहिए, कैसे हमें घर में बिहेव करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब हमें कौन सिखाता है, टीचर सिखाते हैं। माय फेवरेट टीचर इज़, ठीक है, मैंने यहाँ पर ब्लैंक रखी है, तो आप अपने फेवरेट टीचर का नाम लिखोगे, ठीक है। आप अपने फेवरेट, जो भी आपको टीचर सबसे अच्छे लगते हैं, तो आपको उनका नाम लिखना है यहाँ पे। माय फेवरेट टीचर इज़, आपने टीचर का नाम लिखोगे यहाँ पर, ही और शी। अगर आप जो टीचर आपको अच्छा लगता है, अगर वो मेल है, जेंट्स है, तो उसके लिए आप ही लिखोगे, अगर वो कोई फीमेल है, लेडी है, तो उसके लिए शी लिखोगे, ठीक है। अगर आप किसी सर, कोई सर हैं आपको अच्छे लगते हैं, उनके लिए आप ही लिखोगे, अगर कोई मैडम है आपको अच्छी लगती है, वो आप उसके लिए शी लिखोगे। तो मैंने दोनों लिए हैं, तो आप एक लोगे, ठीक है। अगर आपको सर अच्छे लगते हैं, कोई फेवरेट आपके सर हैं, तो आप उनके लिए ही लिखोगे। अगर आपको मैडम कोई अच्छी लगती है, तो आप उसके लिए शी लिखोगे। ही और शी टीचेस अस, वो आपको क्या पढ़ाते हैं, ठीक है। जो आपको फेवरेट टीचर हैं, वो आपको क्या पढ़ाते हैं, आपने उनका सब्जेक्ट लिखना है यहाँ पर। ही और शी इज़ फन लविंग एंड स्पिरिचुअल पर्सन। फन लविंग मीन्स वो हमसे बहुत हंसी मजाक भी करते हैं, और एंड स्पिरिचुअल पर्सन मीन्स वो दिल के बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। आपके जो ये फेवरेट टीचर जो हैं, वो बहुत ही हंसी मजाक भी करते हैं, हमसे हंस के बात करते हैं आपसे, और दिल के बहुत ही अच्छे हैं। ही और शी, ही सर के लिए है, शी मैडम के लिए है। ही और शी इज़ वेरी पोलाइट एंड फ्रेंडली इन नेचर। पोलाइट मीन्स वो बहुत ही प्यार से बात करते हैं, बहुत ही नरमी से बात करते हैं, गुस्से से बात नहीं करते हैं, बहुत ही नरम दिल के हैं, और फ्रेंडली इन नेचर, वो हमसे जो है दोस्ताना होकर बात करते हैं, ना कि हमसे गुस्से से बात करते हैं या मारते पीटते नहीं हैं, पोलाइट होता है, बहुत ही नरम दिल के हैं, और ही हमसे बहुत ही फ्रेंडली हैं वो। ही और शी, ही हो गया सर, शी हो गई मैडम। Explains everything in an easy and fun way. वो हमें जो भी सिखाते हैं, वो बहुत ही आसानी से सिखाते हैं। Easy होता है आसान से, means जो भी explain करते हैं, जो भी हमें सिखाते हैं, वो आसानी से सिखाते हैं, और fun way means खेल खेल में सिखाते हैं हमें, जो हमारा subject है वो bore नहीं बनाते हैं, ठीक है, वो हमें खेल खेल में सिखाते हैं। He और she, he हो गया sir, she हो गई madam. Is very disciplined. Discipline means वो बहुत ही मतलब मैनर सिखाने वाली है, डिसिप्लिन होता है, तमीज़ में रहती हैं, पंचुअल मीन्स टाइम पे आते हैं, एंड समटाइम्स स्ट्रिक्ट टू, कभी कभी जब हम शरारतें करते हैं तो वो हमें गुस्सा होके सिखाते भी हैं, सख्ती से भी आते हैं। देखो जब बच्चे, हम बच्चों को दिन रात प्यार करेंगे, तो बच्चे जो होते हैं वो सोचते, वो थोड़ा सा बिगड़ से जाते हैं, तो बच्चों को कभी कभी थोड़ी सख्ती भी दिखानी पड़ती है। जो टीचर होता है वो कभी कभी थोड़ी सख्ती भी दिखाते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, इसलिए नहीं कि उनको ज़िद्द होती है, इसलिए कि वो बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो फेवरेट टीचर हैं आपके, वो ही और शी इज़ वेरी डिसिप्लिन, बहुत ही मैनर्स में रहते हैं, मतलब गाली गलोच नहीं करते हैं, गंदी गंदी बातें नहीं करते हैं, या आपसे फालतू बातें नहीं करते हैं, पंचुअल जो टाइम पे आते हैं, और समटाइम्स स्ट्रिक्ट टू, कभी कभी वो आपसे सख्ती से भी पेश आते हैं। तो ये कौन लिखे, ये आप लिख रहे हो फेवरेट टीचर, ठीक है, जो जिसका आप यहाँ पे नाम लिखोगे उनकी क्लास। ही और शी टीचेस अस गुड हैबिट्स।
कि जो हमारे टीचर हैं वो हमें अच्छी अच्छी हैबिट्स सिखाते हैं, अच्छी अच्छी आदतें सिखाती हैं, बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, बाहर कैसे चलना है या पढ़ना कैसे है, बैठना कैसे है। तो ये सब कौन सिखाता है आपको? टीचर। ही और शी इंस्पायर्स अस टू बी अ बेटर ह्यूमन एंड हेल्प टू बी अ बेटर स्टूडेंट। कि वो हमें बताते हैं कि कैसे हमें एक अच्छा इंसान बनना है, बेटर होता है अच्छा इंसान बनना है, और हमारी मदद करते हैं वो एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए। देखिए बच्चा, जो टीचर कोई भी हो, ठीक है, वो आपके अच्छे के लिए ही काम करते हैं। तो हर कोई टीचर चाहता है कि जो हमारा स्टूडेंट है वो अच्छा इंसान बने और एक अच्छा स्टूडेंट बने, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, जो स्टूडेंट है वो उसके फ़ायदे के लिए है। अगर आप अच्छे इंसान बनोगे तो आप ये आपके अपने फ़ायदे के लिए है, आप सारे आपको प्यार करेंगे। तो हर कोई टीचर यही चाहता है कि हमारा जो स्टूडेंट है वो अच्छा हो और वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट बने। तो जो है, जो टीचर जो है वो आपको इंस्पायर करते हैं बेटर ह्यूमन बनने के लिए, अच्छे इंसान बनने के लिए और अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए। वी ऑल लव हिम और हर वेरी मच। तो क्या है इसमें, इसका मतलब है कि हम सभी जो हैं अपने टीचर को बहुत ही प्यार करते हैं, ठीक है। तो ये आपका फेवरेट टीचर के ऊपर जो आपका टॉपिक है, मैं इसको दोबारा पढ़ती हूँ ये लाइनें। अ टीचर इज़ ए पर्सन हु गाइड्स स्टूडेंट्स इन गेनिंग द नॉलेज एंड वैल्यूज इन अ सोसाइटी। माय फेवरेट टीचर इज, आपका अपने टीचर का नाम लिखोगे या ही और शी टीचर्स, वो आपको क्या पढ़ाते हैं। अगर मेल कोई सर है तो उसके लिए आप ही लिखोगे उनके लिए, अगर कोई मैडम है उनके लिए आप शी लिखोगे। ही और शी इज़ फन लविंग एंड स्पिरिचुअल पर्सन। ही और शी इज़ वेरी पोलाइट एंड फ्रेंडली इन नेचर। ही और शी एक्सप्लेन्स एवरीथिंग इन एन ईजी एंड फन वे। ही और शी इज़ वेरी डिसिप्लिन पंचुअल एंड समटाइम्स स्ट्रिक्ट टू। ही और शी टीचेस अस गुड हैबिट्स। ही और शी इंस्पायर्स अस टू बी अ बेटर ह्यूमन एंड हेल्प टू बी अ बेटर स्टूडेंट। वी ऑल लव हिम और हर वेरी मच। ठीक है, तो बच्चों आप ये जो है टॉपिक जो है आपका 10 lines जो है आपकी अपनी इंग्लिश की कॉपी पर लिखोगे, उनको लर्न करोगे। कल मैं आपको दूसरा टॉपिक कराऊंगी। थैंक यू।